कैसे आप लोग। आज जो मेरे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए है दोस्तों, उसको मैं ईयरबड कहूँ या पावर बैंक कहूँ या टॉर्च कहूँ, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, लेकिन जो भी है काफी इंटरेस्टिंग और काफी कमाल का चीज है, इसी की अनबॉक्सिंग मेरा करने वाला हूँ। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। प्राइस में फीचर्स बताऊंगा, अरे बताऊंगा क्या इस प्राइस में इस इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को आपको परचेजिंग वगैरह करना चाहिए कि नहीं। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ईयरबड वगैरह अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को उसे भी इनेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे कुछ कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ उसे अपने फ़ोन पर सबसे पहले देख पाऊँ। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। भाई ने बोला करने का तो करने का। आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पैकिंग की बात करूँ तो बॉक्स पैकिंग देख सकते हो तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी सही से लग रहा है, जहाँ पे आपको ईयरबड का इमेजेस बना दिया गया है। यहाँ पे आपको M19 का मॉडल नंबर है जो उसके लिए मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको ब्रांड की ब्रांडिंग की गई है, जो उसके लिए सेलर वगैरह है उसकी ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे आपको जो जो फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया, सपोर्ट वगैरह करते हैं, उन सबकी ब्रांडिंग की गई है। अनबॉक्सिंग के बाद ये सारे फीचर्स वगैरह रीड वगैरह करने वाले और आपको बताने वाले हैं सारे फीचर्स कितने अच्छे से वर्किंग वगैरह करता है नहीं। बैक साइड में यहाँ पे आपको तीन चार कलर में देखने के लिए मिल जाता है, हमारा ब्लैक कलर है तो और भी कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जाके लिंक वगैरह दे दूंगा, चेक कर सकते हैं। चले फिर ओपन वगैरह करते हैं दोस्तों, ज़्यादा इंतजार हो नहीं रहा, देख सकते हैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। ए रखा मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती है, जहाँ पे सबसे पहले USB टू टाइप सी केबल मिल जाता है जिससे उसको चार्ज कर सकते हैं। ईयर प्लग टाइप से मिल जाता है और यूजर मैनुअल मिल जाता है, जहाँ पे आपको दी मैनुअल की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे आपको साइड में रखते हैं और ये दोस्तों हमारा ईयरबड जो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपको केस वगैरह है और ये हमारा ईयरबड रखा हुआ मिल जाता है, इसको इसमें डालते हैं। अब इसकी बात करो दोस्तों तो देख सकते हैं ईयरबड का साइज की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज वगैरह दिया गया। जहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन की बात करो तो फुल्ली जैसे आपको पता ब्लैक है, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी ब्लैक दिया गया। इधर आपको प्लास्टिक बिल्कुल की बात करूँ तो बिल्कुल इतना कुछ खास है बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल से बिल्कुल वगैरह दिया गया। यहाँ पे आपको हुक वगैरह लगाने के लिए दिया गया, कैरी करने के लिए हुक वगैरह दिया था, लेकिन हुक वगैरह पता नहीं कहाँ चला गया, तो कैरी वगैरह कर सकते हैं। और इधर आपको डैमिनेशन वगैरह की बात करूँ तो डैमिनेशन काफ़ी दोस्तों है तो दोस्तों कर्व वगैरह नहीं है, कर एजेस वगैरह कर्व हो रखा है, लेकिन एक काफ़ी बल्कि है, मतलब काफ़ी बड़ा ईयरबड, इतना ईयरबड इस तरह की ईयरबड मैंने पहली बार देखी है, इतना बड़ा ईयरबड मैंने पता नहीं कभी देखा है नहीं, आपने देखा है नहीं कमेंट करके बताना। जहाँ पे आपको USB ए पोर्ट मिल जाता है जिससे इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मोबाइल में तो आपने सुना था रिवर्स चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ईयरबड में रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर लाइट मिल जाता है, यहाँ टाइप सी पोर्ट वगैरह मिल जाता है तो इसको इससे चार्ज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है तो बटन से यहाँ पे ऑन वगैरह कर सकते हैं, जिसकी रोशनी भी काफ़ी अच्छी सी देखने के लिए मिल जाती है। तो काफ़ी सही था देखने में, काफ़ी अच्छा कॉम्बो वगैरह देखने में लग रहा है। जहाँ पे आपको इधर ओपन करेंगे तो यहाँ हमारा दोनों ईयरबड रखा मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वी लॉर्ड वी प्राउड की ब्रांडिंग की गई है, दोनों ईयरबड का चार्जिंग शो कर रहा है, केस की चार्जिंग शो कर रहा है, LR की ब्रांडिंग की गई है, तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह जैसे लग रहा है देखने में, तो काफ़ी बिजी सेक्शन है भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। ईयरबड इसके लिए भी इसकी प्लास्टिक बिल्कुल टेक ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है, जो काफ़ी देखने में सही से लग रही है। जहाँ पे दोनों तरफ इंडिकेटर लाइट दिया गया तो देखने में काफ़ी सही से लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका डैमिनेशन की बात करो तो डैमिनेशन ठीक ठाक था, जहाँ थोड़ा सा L साइज पर रखा गया। इसका ईयरबड का जो थोड़ा साइज बड़ा सा मिल जाता है देखने में, 10 mm का डायमीटर है, उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा है। पेन वगैरह आ जाएगा अगर एक डेढ़ घंटे पे लगा कर रखेंगे तो पेन वगैरह आता है तो एक प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पे ये लाइट की बात करो देख सकते हो काफ़ी सही से लग रहा है, यहाँ पे आपको माइक वगैरह देगा तो कॉलिंग वगैरह ले सकते हैं, टच सेफ्टी बटन भी है तो यहीं से फीचर कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। तो ईयर केस के मुकाबले बात करूँ तो ईयरबड का बिल्ड क्वालिटी भी, डैमिनेशन भी और जो A to Z इंटरफेस है काफ़ी देखने में सही से लग रहा है। वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब इसके दोस्तों फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स में सबसे पहले बैटरी बात करूँ तो इसमें बैटरी बताया नहीं गया, मैंने बहुत चेक वगैरह किया बैटरी नहीं बताया गया। मेरे हिसाब से 1000 से 1200 mAh की इसमें बैटरी वगैरह दी गई होगी, इसको एक बार चार्ज करने में 2-3 घंटे के आसपास लगने वाला है, लेकिन एक बार फुल चार्ज कर लेंगे तो सिर्फ ये इसकी बात करूँ ईयरबड वगैरह चार्ज करने की तो 10 बार के आसपास चार्ज वगैरह कर पाएंगे। ईयरबड की बैटरी की लाइफ की बात करूँ तो इसकी 2 घंटे के आसपास है, तो टोटल आपको 20 से 25 घंटे की बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आप लोग का कहना होगा दोस्तों इतना बड़ा केस है, इसमें बैटरी बड़ी है तो 20-25 घंटे क्यों मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो डिस्प्ले वगैरह दिया गया बहुत ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन करता है, तो इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है, तो 20 घंटे के आसपास इसमें टोटल आपको आउटपुट वगैरह बैटरी लाइफ वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा।
अब उसके बाद बात करूँ कनेक्टिविटी के दोस्तों, कनेक्टिविटी बताया गया Bluetooth 5.2 बताया गया यहाँ पे मेंशन भी किया गया, 5.1 बताया गया मेंशन वगैरह किया गया, लेकिन दोस्तों ये बेसिकली फेक है, बेसिकली बिल्कुल भी 5.1 नहीं है, 4.0 वगैरह होगा, वो भी अच्छे से वर्क वगैरह नहीं करता। अगर लगा कर आप पॉकेट वगैरह में फ़ोन में रख के चल रहे तो डिसकनेक्ट वगैरह होता है, बार बार पेयरिंग वगैरह करता होने लग जाता है। अब हाथ में लेकर फ़ोन स्मार्टफोन चलेंगे रास्ते वगैरह में तो ये बेसिकली आपको अच्छे से वर्क करेगा, घर में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, घर में भी अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन डिसकनेक्टिंग का प्रॉब्लम इसमें रहती है, ये मैंने बहुत ज़्यादा फेस वगैरह की है। अब उसके बाद बात करूँ ड्राइवर की तो 10mm का ड्राइवर है, उसके हिसाब से साउंड क्वालिटी वगैरह की बात करूँ दोस्तों, साउंड क्वालिटी लाउडनेस वगैरह के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस वगैरह भी अपने प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी सही है, बेस वगैरह भी अच्छे लेवल में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत साउंड क्वालिटी अगर फुल पे सुनते हो तो फटेगा, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, साउंड क्वालिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जो कनेक्टिविटी का वहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, गेमिंग वगैरह खेलते हैं चाहिए तो खेल सकते हैं, गेमिंग वगैरह भी खेला, लो लेटेंसी तो नहीं मिलता लेकिन साउंड वगैरह अच्छे से आ जाता है, तो मुझे साउंड वगैरह के रिलेटेड कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं है, अच्छे से यूज वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसको जैसे बताओ एक चीज़ आपने जैसे बताया चार्ज वगैरह भी कर सकते हैं, चार्ज वगैरह दिखा देता हूँ करके, इवनली चार्ज हो जाता है कोई दिक्कत नहीं था, मैंने चार्ज वगैरह करके देखा है ये तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन वही बताओ इसको सिर्फ इमरजेंसी में चार्ज वगैरह कर सकते हैं, ये आप सोचें कि इससे 20% 30% फ़ोन वगैरह चार्ज कर लें तो नहीं होगा, आप यूज वगैरह कर रहे हो कहीं पे बाहर हो तो आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो इमरजेंसी में इससे चार्ज वगैरह कर सकते हैं, और इमरजेंसी के लिए यूज लाइट वगैरह कर सकते हैं, जो भी चीज़ यूज वगैरह कर सकते हैं ईयरबड के अलावा जो भी है नॉर्मल थोड़े बहुत देर के लिए इमरजेंसी के लिए यूज वगैरह कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ इससे यूज वगैरह नहीं कर सकते। तो चलिए फिर दोस्तों अब इसकी प्राइसिंग की बात करो तो प्राइसिंग दोस्तों मैंने 500 रुपये के आसपास प्राइसिंग है पिछले फ्लिपकार्ट से परचेज किया, तो मेरे हिसाब से वारंटी वगैरह तो नहीं मिलती 500 रुपये में। अगर ईयरबड की बात करो तो ईयरबड तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तीनों चीज़ को कॉम्बो वगैरह मिलाया जाए, ये जो बिजली देखने में जो अच्छा लगता है इन सब को चीज़ों को मिला कर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 500 रुपये में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको गाँव वगैरह देहात वगैरह रहते हैं इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कभी इमरजेंसी में लाइट वगैरह चला जाता तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत है, पावर बैंक वगैरह नहीं परचेज कर सकते, इसकी भी लाइट की ज़रूरत है तो आप परचेज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ईयरबड खाली चाहिए आपको तो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करता, इससे बढ़िया बढ़िया ईयरबड इस प्राइस में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए फिर दोस्तों परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, परचेज वगैरह कर सकते हैं, और मैंने बहुत कमाल की ईयरबड की अनबॉक्सिंग की है, उन सबका लिंक मिल जाएगा उसको देख सकते हैं, नहीं तो इसको परचेज करना चाहेंगे तो इसको तो कर ही पाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना था, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।